एपिसोड 1 और 2 में नाच गाने के अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं होता। असली स्टोरी शुरू होती है एपिसोड 3 से, जहां एक बड़ा टॉयलेट जी मैन को कुचल के मार देता है। और आज हम स्किबिडी टॉयलेट की अब तक की पूरी कहानी जानेंगे, फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 67 पार्ट 4, क्योंकि मेरे ये वीडियो बनाते टाइम इतने ही एपिसोड आए हैं, जिसके बाद एपिसोड 4 में ये टॉयलेट रेस्टोरेंट जैसी पब्लिक प्लेसेस में घुस कर नॉर्मल इंसानों को अपनी तरह कन्वर्ट करने लगते हैं। देखते टॉयलेट्स की आबादी इतनी बढ़ जाती है कि एपिसोड 5 में एक जंग शुरू हो जाती है और अब ये टॉयलेट्स उड़ भी सकते हैं। एपिसोड 6 में नाच गाना हट। एपिसोड 7 तक टॉयलेट्स की आबादी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, लेकिन अब हम जानते हैं कि इनको मारने के लिए बस फ्लश करना है। साथ ही इस एपिसोड में पहली बार जी मैन स्किबिडी टॉयलेट की एंट्री होती है और अगले ही एपिसोड 8 में पहली बार कैमरामैन की आर्मी को ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है, एंड Obviously, टॉयलेट्स की आर्मी के खिलाफ। एपिसोड 9 में फर्स्ट स्किबिडी टॉयलेट की गोल्डन ग्रेव को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर स्प्रे पेंट करने पर लिटरली पुलिस स्किबिडी टॉयलेट आ जाती है। इतना ही नहीं, एपिसोड 10 में एक प्रीस्ट टॉयलेट को भी दिखाया जाता है, जिनका अपना ही चर्च है। खैर, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैमरामैन आके इस ढोंगी बाबा को फ्लश कर देते हैं। अगले एपिसोड में होती है तगड़ी लड़ाई कैमरामैन, आर्मी और बड़े बड़े टॉयलेट्स के बीच, जो कि इतनी बढ़ जाती है कि एपिसोड 12 में जी मैन को अपनी न्यू एबिलिटी लेजर आइस का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। फिर वापस से वही लड़ाई झगड़ा। हाँ, बस इस बार एक ट्राइपॉड जैसा कुछ तो नया लाया है कैमरा। नेवर माइंड। एपिसोड 14 में कैमरामैन आर्मी बहुत सारे बड़े बड़े टॉयलेट से लड़ने जा रही होती है, जब अचानक से उन टॉयलेट्स के पीछे से बिना दोस्त या दुश्मन देखे एक रॉकेट टॉयलेट सबको उड़ा देता है। एपिसोड 15 में कैमरामैन पूरे टॉयलेट्स के झुंड को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, बट खुद एक टॉयलेट की नजर में आ जाते हैं, एंड वेल टॉयलेट ना सहता। अगले एपिसोड में एक कैमरा टॉयलेट की मदद से टॉयलेट्स के बेस में स्पाई करने की कोशिश की जाती है, जो कि टॉयलेट्स को पसंद नहीं आता। एपिसोड 17 में जी मैन टॉयलेट अपना भाषण दे ही रहा होता है कि उसके ऊपर कैमरामैन लोग लेजर अटैक कर देते हैं। ओनली टू आर सरप्राइज, जी मैन टॉयलेट को खरोच भी नहीं आती और फाइट बैक करके कैमरामैन को पकड़ भी लेता है। एपिसोड 18 में टॉयलेट्स कैमरामैन पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन की। अगले एपिसोड में कैमरामैन आराम से चिल मार रहे हैं और टाइटन कैमरामैन 3 सर वाले टॉयलेट को अच्छे से पीट पाट के रोस्ट कर रहा है। एपिसोड 20 में होता है जी मैन टॉयलेट वर्सेस टाइटन कैमरामैन, जहां रॉकेट टॉयलेट आके टाइटन कैमरामैन की शील्ड तोड़ के उसे डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अब वो जी मैन टॉयलेट से नहीं लड़ सकता और उसे मजबूरन भागना पड़ेगा। अगले एपिसोड 21 में एक टॉयलेट से उनके प्लान के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो टॉयलेट रेस्क्यू सिग्नल यूज करने लगता है और उसको फ्लश करना पड़ता है। स्टिल जी मैन टॉयलेट हाइड आउट को ढूंढ लेता है और सबको मार देता है, जिसके बाद अगले एपिसोड में हमें पता चलता है कि जी मैन टॉयलेट को फ्लश नहीं किया जा सकता। एपिसोड 23 में हम देखते हैं टाइटन कैमरामैन को रिपेयर होते हुए और उनके हेडक्वार्टर में कुछ टॉयलेट्स हमला कर देते हैं, लेकिन टाइटन कैमरामैन अपना एक न्यू अटैक एक्सप्लोडिंग प्लाज्मा बुलेट इस्तेमाल करके सभी टॉयलेट्स को उनकी औकात दिखा देता है। मीनवाइल बाहर की दुनिया में टॉयलेट्स का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था, जिसको हैंडल करने के लिए एंट्री होती है स्पीकर मैन की, जिसके बाद अगले एपिसोड 25 में वो टॉयलेट्स को ल्योर करके अपनी एबिलिटीज को शो ऑफ करते हैं और बाद में भंगड़ा पाते हैं। फिर एपिसोड 26 में वही लड़ाई झगड़ा, लेकिन इस बार हमें देखने को मिलता है टाइटन स्पीकर मैन फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन। एपिसोड 27 में टॉयलेट बेस पर हीरोज रेड मारते हैं और एपिसोड 28 में टॉयलेट्स की सीक्रेट मीटिंग में टाइटन स्पीकर मैन सबको मार के और एक टॉयलेट को थप्पड़ बजा के उनकी औकात दिखा देता है। लेकिन 29 में एक ग्लिच टॉयलेट इंट्रोड्यूस होता है, जो कि काफी डैमेज करके अपनी औकात दिखा देता है। फिर एपिसोड 30 में डॉक्टर टॉयलेट एक पैरासाइट टॉयलेट बनाता है, जिससे वो हीरोज को अपना गुलाम बना सके, जिसकी वजह से एपिसोड 31 में अपने ही दोस्त अपनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। अगले एपिसोड में टाइटन स्पीकर मैन मिलिट्री टॉयलेट से लड़के उसको हरा देता है, लेकिन तभी एक पैरासाइट टॉयलेट टाइटन स्पीकर मैन को कंट्रोल कर लेता है और टाइटन स्पीकर मैन अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगता है। एपिसोड 33 में जी मैन टॉयलेट यूट्यूब के हेडक्वार्टर को
उड़ा देता है और एपिसोड 34 में एक इन्फेक्टेड कैमरामैन को ल्योर करके उसके ऊपर से पैरासाइट को हटा दिया जाता है, जिसके बाद एपिसोड 35 में एक साइंटिस्ट कैमरामैन एंटी पैरासाइट गन बनाने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी उनके बेस पर अटैक हो जाता है जिसमें साइंटिस्ट मारा जाता है, बट एटलीस्ट अब हमारे पास एंटी पैरासाइट गन मौजूद है। एपिसोड 36 में सभी इन्फेक्टेड दोस्तों को नॉर्मल कर दिया जाता है और एपिसोड 37 में एक बड़ी कैनन बनाई जाती है जो कि परफेक्ट काम करती है। फिर एपिसोड 38 में उसी कैनन से इन्फेक्टेड टाइटन स्पीकर मैन को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीमैन टॉयलेट बीच में आ जाता है साला, और अब जीमैन टॉयलेट उड़ भी सकता है और साथ ही दो एक्स्ट्रा लेजर फायर कर सकता है। खैर, एपिसोड 39 में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है टीवी मैन से फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके बाद एपिसोड 40 में एक बड़ा सा टीवी मैन टॉयलेट्स के झुंड को उनकी फिर से औकात दिखा देता है। एपिसोड 41 में टॉयलेट्स की एक बड़ी आर्मी का सामना होता है टाइटन टीवी मैन से। टाइटन टीवी मैन पहली बार आता है और अपनी एबिलिटी से सभी टॉयलेट्स को सुसाइडल फ्लश करवा देता है। एपिसोड 42 में हमें पता चलता है कि टीवी मैन पैरासाइट टॉयलेट्स के असर को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन एपिसोड 43 में टॉयलेट कतई श्याणे हो जाते हैं और सनग्लासेस पहन के आ जाते हैं, जिसकी वजह से टीवी मैन की एबिलिटी उनके ऊपर काम ही नहीं करती। लेकिन एपिसोड 44 में टाइटन टीवी मैन भी एक्स्ट्रा स्पीकर लगा के खुद को अपग्रेड कर देता है और टॉयलेट्स को फिर से उनकी औकात दिखा देता है। एपिसोड 45 में होती है टाइटन टीवी मैन और इन्फेक्टेड टाइटन स्पीकर मैन की तगड़ी लड़ाई चालू, जहां टाइटन टीवी मैन टाइटन स्पीकर मैन को कपड़े की तरह धोता है, लेकिन इन दी एंड टाइटन स्पीकर मैन बच के भाग निकलता है। एपिसोड 46 में टाइटन टीवी मैन लगे हाथ एक वैक्यूम टॉयलेट को खत्म करता है, जिसके बाद होती है एपिसोड 47 में असली लड़ाई। टाइटन टीवी मैन जीमैन टॉयलेट पर भारी पड़ रहा होता है, तभी पीछे से आके एक टॉयलेट टाइटन टीवी मैन के वेपन्स को डैमेज कर देता है, जिसको टाइटन टीवी मैन ऑलमोस्ट संभाल ही लेता है, लेकिन फिर जीमैन टॉयलेट फिर से हमला करता है और टाइटन टीवी मैन को गुस्सा आ जाता है। अब नॉर्मली यहाँ पर जीमैन टॉयलेट की मौत होनी पक्की थी, लेकिन इन्फेक्टेड टाइटन स्पीकर मैन टाइटन टीवी मैन की स्क्रीन में चाकू मार देता है और मजबूरन टाइटन टीवी मैन को रेस्क्यू के लिए वापस जाना पड़ता है। एपिसोड 48 में हालत काफी खराब हो जाती है, बट फाइनली एपिसोड 49 में हीरोज की टीम को ज्वाइन करती है टीवी वुमेन, जो कि अपनी रोशनी से टॉयलेट्स को जला सकती है और अपने सर से किसी भी टॉयलेट को पैरासाइट की तरह कंट्रोल कर सकती है। यार कितना गलत साउंड कर रही है। खैर, जो भी है, टीवी मैन की तरह ये भी टेलीपोर्ट हो सकती है। एपिसोड 50 में हो जाती है लड़ाई सीरियस। टॉयलेट्स का झुंड हीरोज के बेस पर अटैक कर देता है और हमें लगता है सिर्फ ये मिनी टाइटन ही है जो अब कुछ कर सकता है, लेकिन तभी होता है टाइटन कैमरामैन का कमबैक, पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हथियारों के साथ, हथौड़ा, मैग्नेट और छाती से निकलने वाली तगड़ी आग। टाइटन कैमरामैन सिचुएशन को हैंडल करता है और निकल पड़ता है बागी टॉयलेट्स को मारने। और हाँ, एपिसोड 51 में टाइटन कैमरामैन हमारे मिनी टाइटन को सही सलामत एक बिल्डिंग के ऊपर उतार देता है, और एपिसोड 52 में हमारे मिनी टाइटन की होती है हीरोइक एंट्री और पहली बार हमें देखने को मिलती है कैमरा वुमेन, एंड लिटरली ये कैमरा वुमेन घायल करने के लिए ही बनी है भाई। एपिसोड 53 में आती है एक नई आफत, टेलीपोर्ट होने वाला UFO टॉयलेट, जो कि अपने टारगेट को इवेपोरेट कर सकता है, जिसके बाद एपिसोड 54 थोड़ा फिलर वाला है, जहां पर एक ग्लिच टॉयलेट सबको परेशान करके रखता है, लेकिन टीवी वुमेन आती है और उस टॉयलेट को उसकी औकात दिखा देती है। ओके यार, ये औकात वाला जोक फिर से नहीं मारूंगा, काफी हो गया। जिसके बाद कैमरामैन हैप्पी होके टीवी वुमेन को झप्पी पाने जाता है, लेकिन टीवी वुमेन टेलीपोर्ट हो जाती है। कोई बात नहीं कैमरामैन। एपिसोड 55 में हीरोज का एक ग्रुप लड़ने जा रहा होता है, लेकिन एक एसिड वाला टॉयलेट उस पूरे ग्रुप को मार देता है। टाइटन कैमरामैन उस टॉयलेट को अच्छे से तोड़ता है, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। और एपिसोड 56 में टाइटन स्पीकर मैन हीरोज के दूसरे ग्रुप पर हमला करके और भी ज्यादा नुकसान कर देता है। एपिसोड 57 के 2-3 पार्ट है जहां टाइटन कैमरामैन फुल बीस्ट मोड में जा रखा है। कभी टाइटन स्पीकर मैन को पटकता है, कभी जीमैन टॉयलेट को धोता है, तो कभी एक तलवार वाले टॉयलेट को बोलता है तेरे बस की नहीं है बेटा, जाके बाप को बुला। इस लड़ाई में हमारा मिनी टाइटन टाइटन स्पीकर मैन के पैरासाइट को हटाकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइटन स्पीकर मैन उसकी निचली बॉडी को तोड़कर उसको फेंक देता है। आखिरकार टीवी वुमेन और टाइटन कैमरामैन मिलकर टाइटन स्पीकर मैन को सही कर लेते हैं और मिनी टाइटन को भी बचा लिया जाता है। एपिसोड 58 में टाइटन स्पीकर मैन कतई आग बबूला हुआ होता है और जो भी टॉयलेट नजर
नजर आ जाए समझो वो टॉयलेट तो गया काम से। एपिसोड 59 में एक बड़ा टॉयलेट आता है जो कि तगड़ी चौड़ में होता है, लेकिन टाइटन स्पीकर मैन और टाइटन कैमरा मैन ये लास्ट टाइम जोक मार रहा, ठीक है लास्ट पक्का, उसको भी औकात दिखा देते हैं और फिर करते हैं एक आइकॉनिक डैब। अगले एपिसोड में जी मैन टॉयलेट की टीम एक प्लान बनाते हुए नजर आती है जिसके बारे में हीरोज को जासूस की मदद से पता चल जाता है। फिर एपिसोड 61 में पेंगुइन जी जैसा टॉयलेट नजर आता है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्पीकर वुमेन की एंट्री। नाचते हुए आती है और सेकेंड्स के अंदर इस टॉयलेट को नानी याद दिला देती है, वो भी स्ट्रेंजर थिंग्स के थीम सॉन्ग के साथ। मेरे को तो फेवरेट है जी स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत ज्यादा। एपिसोड 62 में डॉक्टर टॉयलेट का साइज काफी बड़ा हो जाता है और उसके पास स्पीकर्स और शेडो टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी भी आ जाती है और अब सिचुएशन कुछ अच्छी नजर नहीं आती। लेकिन इसके बाद एपिसोड 63 में होता है हमारे मिनी टाइटन का कमबैक, वो भी ग्लिची उड़न खटोले वाली टेक्नोलॉजी के साथ। फिर एपिसोड 64 में वही खून खराबा और एपिसोड 65 में होता है प्लॉट ट्विस्ट जहां जी मैन टॉयलेट को उसकी आर्मी अकेले मरने को छोड़ देती है। हमारे टाइटन हीरोज जी मैन को फाइनली मार देते हैं ओनली टू रियलाइज कि वो तो बस एक ट्रैप था और उनके ऊपर सुसाइड बॉम्बर टॉयलेट्स की बारिश हो जाती है। एपिसोड 66 में होती है रेगुलर लेकिन इंटेंस बैटल जिसके बाद एपिसोड 67 के पार्ट 1 में एसिड हेड टॉयलेट और टाइटन कैमरामैन की लड़ाई, ऑब्वियसली हमारे हीरो जीते, लेकिन पार्ट 2 में आता है डॉक्टर टॉयलेट जो कि टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन से जम के लड़ता है। इवन इस लड़ाई में हमारे मिनी टाइटन को भी शायद काफी चोट आती है। इन द एंड डॉक्टर टॉयलेट टाइटन कैमरामैन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अनफॉर्चुनेटली पार्ट 3 में वो टाइटन कैमरामैन पर कंट्रोल करके अपनी ही गर्दन कटवाने की कोशिश करता है और टाइटन स्पीकर मैन पर हमला करवाता है। इस मोमेंट में ऐसा लगता है मानो हमारे हीरोज की हार हो चुकी है, लेकिन यहाँ कमबैक होता है टाइटन टीवी मैन का, पहले से ज्यादा ताकतवर और कतई गुस्से में। सेकंड्स के अंदर वो डॉक्टर टॉयलेट का खोपड़ा फोड़ देता है और अपनी यूनिबीम से उसका पूरा चेहरा जला देता है, जिसके बाद पार्ट 4 में टाइटन्स निकल पड़ते हैं बड़े टॉयलेट्स को मारने और कैमरा लोग चले जाते हैं एक हाइडआउट में। अब आगे क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं। तो एक्चुअली अभी मैं एडिटिंग कर ही रहा था कि मैंने देखा एक दिन पहले ही एपिसोड 68 का पार्ट 1 आ चुका है और उसमें होता ये है कि टाइटन टीवी मैन अपनी दो एक्स्ट्रा स्क्रीन का फ्लेक्स कर रहा है और अब वो अपनी तीनों स्क्रीन को एज अ ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। तो या बस फ्लेक्सिंग के लिए बना रखा ये एपिसोड और इसी के साथ सारी समरी खत्म हो जाती है। अब लिटरली जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल आप दबा के लाइक और कमेंट करो ताकि यूट्यूब पर मेरा भी कमबैक हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको स्किबिडी टॉयलेट की ओरिजिन स्टोरी जाननी है तो फिर ये वीडियो देखो और अगर आपको बैक रूम्स के बारे में जानना है तो फिर ये वीडियो देखो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।